इतनी अमीर होने के बाद भी आप सड़क पे क्यों बैठी हैं? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मैं इस इलाके की सबसे अमीर औरत हूँ चांदी। देयर इज सम ऑलमाइटी पावर, मुझे पैसे से जितना प्यार है दुनिया में नहीं है। पैसे से बहुत प्यार है। अरे अरबों खरबों चाहिए, तेरी भूख 10 करोड़ से मिट जाएगी, मेरी तो अरबों खरबों, मुझे पूरी। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अर्थचंद्र। दादी व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? बीकॉम। हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे दादी। क्या? यहाँ पर पहले बैठने दीजिए, यहाँ वो चाय रखेगा। अच्छा तो मुझे एक पेपर लाइए, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। दादी कितने साल से आप नहा ही नहीं? बेटा मैं ठीक, मतलब ऐसे कभी आप जैसे गुरुद्वारे रोज बुलाने आती है, ठीक से मैं 40 साल से नहीं, पहले रेत मिट्टी से नहाती थी वहाँ पे। 40 साल से अच्छे से नहीं नहाई कभी? आप इतनी साफ सुथरा है। अब वो लोग, मैं सुंदर बहुत थी यंग तेरी तरह सुंदर, सुंदर तो अभी बहुत है। बाल यहाँ तक, लोग पूछते थे क्या, लोग चलते मुड़ के देखते थे, और अब देख मैं कैसी हो गई। अभी बहुत सुंदर है आप। वो लोग कहते हैं पहले इंदिरा गांधी से सेम शक्ल मिलती थी, फिर लोगों ने मधुबाला से मिलाई, फिर शीला दीक्षित से, और फिर सफ़ेद पट्टी बांधी मैंने सीखा बेटा हिंदू धर्म सही नहीं है। हिंदू धर्म सही नहीं है, पाखंड है, सिर्फ ऊपर की मोहब्बत। मैंने सिख धर्म से, सिख नियंग है बदमाश है, सिख और ईसाई धर्म से दी। मैंने अपनी किताब में सफाई करने वाले की, जो सफाई तेरे थोड़े से पैसे के लिए तेरी गंदगी साफ कर रहा है, और धरती माता की, और धरती माता की और वनस्पतियों की पूजा की है, चाय की पूजा की है, कि देख इस वनस्पति की पावर, इस कपास देवता की पावर दे, हम इसे तोड़ रहे हैं मरोड़ रहे हैं, कितनी पावर दे रहा है। इसीलिए तुमने देखा दशहरे में 5 चीज़ों की क्यों पूजा की जाती है, अर्थ समझो। दादी व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? बीकॉम। बीकॉम हाँ, इंटर पढ़ते पढ़ते मेरी मैरिज हो गई थी, और पंडितों का बताया मैं इस धर्म, मैं ज्योतिष विद्या को, पर बेटा कोई चमत्कार देख ले तो नमस्कार कर लियो। आज भी डायनासोर से भयानक जीव पैदा हो सकता, ये मायावी संसार है, उसकी माया को। और इसीलिए मैं भागवत करती थी, 1.5 साल मैंने ऋषिकेश में भागवत करी, और ब्याज 108 कमरों की मेहनत हो, वहाँ मुझे क्या करना पड़ा, भंडारे कराने पड़े। मैंने कहा मैं तो भगवान की भक्ति करने निकली थी। दादी एक चीज़ नोटिस कीजिए, दादी जो है अपने भगवान से बहुत प्यार करती हैं। दादी आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अनामिका। अनामिका, आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी? इंटर पढ़ रही थी आप 18। फिर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, पढ़ने में बहुत तेज थी शुरू से, ऑटोमेटिक। आपके हस्बैंड क्या करते थे? हम लोग चांदी वाले हैं। चांदी वाले? इस इलाके की सबसे अमीर औरत हूँ चांदी। हमारे यहाँ जैसे पैसे वाले को हवस होती है ना, और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। ठीक है, बहुत अमीर आदमी में से आप एक। हाँ एक हूँ, तो मैं बेकसूर, मेरी सास ने निकाला, छापा पड़ गया था, ये कॉफी भूसा एक्ट में अरेस्ट हो गए मेरे कारण। कौन? क्योंकि मेरे बच्चे कमिश्नर में 9.5 करोड़ की कोठी है मेरी, ये सिविल लाइन में जोगीवाड़े में घर था। कहाँ गया सारा कोठी, कहाँ गया? फिर वो 18 लाख में मित्तल को भेजी ना उन्होंने, क्योंकि छापा पड़ गया। मैंने कह दिया मैंने कभी बाप के घर में फौरन, और जैकेट आया नहीं है, इसके कुल पुरोहित की लड़की हूँ मैं, 2 साल का ना तो ऐसे ही आता था दानपन का। दादी इतनी अमीर होने के बाद भी आप सड़क पे क्यों बैठी हैं? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब उसने पैसे वाले का साथ दिया, मुझे पावर बटाने पर साइन ले लिए। अच्छा, क्यों उसकी भी, और मुझे घर बैठे एक्सपार्टी कर दिया, सिविल लाइन की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैंने धोखे से सर, और मैं तभी वही लोगों ने कहा आपने पढ़ी लिखी थी फिर भी धोखे से सिग्नेचर, क्या पता क्या चीज़ है ये, मैंने कभी बाप के घर में देखी, मैं टीवी देख रही हूँ। और आपके बच्चे कहाँ हैं? वो उन्होंने छीन लिए। छीन लिए? हाँ, सब परिवार आपको धोखा दे दिया, मतलब ताकि प्रॉपर्टी में अग्नि हो जाता है, जहाँ हमारी चांदी जाती थी वो कौन कहाँ है, अगर मेरे सामने आ जाए। पर मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, तू इंटरव्यू ले ले, मैंने सारी दुनिया को अपना बच्चा बना लिया है, ऊपर वाले ने जो कुछ मेरे साथ किया, तुम्हें लग रहा है मेरा यार, मुझे लगता है धन्यवाद। तो मैं कहती हूँ मेरे से कुछ काम करवा ले, वरना कल का भी सूरत देखने का शौक नहीं है, ये काम किसी से भी करवा ले। दादी मेरे पास पैसा होगा मैं 10 नौकर ना रख लूंगी। अच्छा आपकी मदद, ऐसे कर वरना सस्पेंड। दादी सुने कि लोग आपकी मदद करने के लिए आते हैं, मदद ये भी है कि मेरी जो गाड़ी चल रही है, मैं भगवान से यही कहती हूँ, वो लोगों के उसके बल पे ही थोड़ी थोड़ी, वरना मेरी नाव है मजार में। अगर लोग मेरे को नहीं दें, मैं मांगती भी हूँ, और जो देते हैं वो दान कर देती हूँ, तू ले जा 100 ले जा 200 ले जा 500 ले जा।
दादी सरकार से क्या मदद? लेकिन मांग के खाती हूँ, मांग के खाती हूँ। और जो कोई देगा कि आप किसी का छुआ हुआ नहीं खाती, बहुत साफ सुथरा रहती हैं, हाइजीनिक हो, बहनी हो, घर बहनी घर की, मतलब इतने रहीस घर की दादी हैं कि दादी मिनरल वाटर पीती हैं, किसी का छुआ हुआ नहीं खाती और जहाँ बैठती एकदम दिन भर साफ करते रहती है। तो इसलिए पीती हूँ, सबके साथ पानी नहीं पी सकती, वो छीटा मार देगा मेरे हाथ पे, नल नहीं छूती हूँ, मेरे गुजारन जाकर पता करना, वो नल खोलेगा बाथरूम तब मैं नहाऊंगी, वो भी मजबूरी में थोड़ा थोड़ा करने लग गई हूँ। वहाँ मैं मिट्टी और रेत से सिर्फ रात से नहाने वाली हूँ, पानी पानी होता ही नहीं है, पैसे कोई देता है? मजबूरी में पकड़ भी रही हूँ किले और यूँ यूँ डाल देती हूँ, पूछो उनको नहीं करे, मुझे पैसे से जितना प्यार है दुनिया में नहीं है, पैसे से बहुत प्यार है। अरे अरबों खरबों चाहिए, तेरी भूख 10 करोड़ से मिट जाएगी, मेरी तो अरबों खरबों, मुझे पूरी दुनिया के लिए पैसा चाहिए, सबके दुख काटने हैं मेरे को। अच्छा तो एक बात बताइए, सरकार से क्या दो टाइम चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, यही बहुत है, बैठने को जाए। दादी बहुत बूढ़ी हो गई, इसे खा नहीं पाती हैं, सरकार से क्या मांग है ये बताइए? सरकार जो मांग है कि अब ये पॉलिटिक्स बाजी खत्म कर दीजिए, हम सब एक हो जाए, पूरी दुनिया को आप गले लगाइए, चीन भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, खुदा का नूर एक है, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई चमार बन गया, ये सब जाति पाति सब बाद में बनी है, धर्म धर्म भी अलग, ये सब बाद में हम लोगों ने बनाई है, जैसे कोई ये काम कर रहा है वो बन गया, कोई पंडिताई कर रहा है 700 रुपये बढ़ गया वो बन रहा है, ये बाद में बनी है, पहले दुनिया एक ही थी, दुनिया एक है। अच्छा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कौन है, जानती है ना? कौन है तुम बताओ, आप बताइए, इसका क्या नहीं, CM वो केजरीवाल, हाँ केजरीवाल जी को क्या बोलेंगी, वो तो बहुत लोगों की मदद करते हैं, लोग तो खुश हैं, करना नहीं है, सब वोटों का चक्कर है, वोटों का चक्कर, बिल्कुल मदद करना, पूरी व्यवस्था सही करिए, आप रेली पटरी को हटाने के पहले उनको अच्छी तरह भोजन दीजिए, आप पहले कहाँ सो रहे थे, आप किसी का घोंसला तोड़ रहे थे उससे बढ़िया आप घोंसला बना कर, वरना आपको उसका घोंसला तोड़ने का हक नहीं है, क्या केजरीवाल हो चाहे कोई हो, वो सिर्फ ये पंप एंड शोर ग्लैमर का जमाना है, बस चमका रहे हैं लोग, सबको कनॉट प्लेस और गेटवे प्लाजा और वो बना रहे हैं अमरीका लंदन, और मेरी किताब में आप इससे पहले लोगों के गुंडागर्दी खत्म करिए। दादी किताब लिख रही है, ये भी बड़ी बात है दादी, आप कौन ये वही जो 25 बने कुछ चोर मेरा यहाँ सामान रख दीजिए ले गए, नाम क्या है, नाम क्या है? दिल्ली में गुंडागर्दी चोरी डकैती जेब कतरे बहुत हो गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है दादी इसीलिए, तो व्यवस्था करो, और अगर कोई नहीं सुधर रहा उसको सड़ा सड़ा के मारो, जब तक नहीं सुधरे उसको सुधारिए, उसको कोई आतंकवादी बनाया तो उसको भूत क्यों को बनाया आतंकवादी, आपको मुख्यमंत्री, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो फिर क्या करेंगे दिल्ली की? हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एडवाइजर बनेंगे, क्या बनेंगे, क्योंकि मुझे इतना कौन काम कैसे करना है इसका पता नहीं है, हाँ सिस्टम सुधारना चाहते हैं, हाँ मैं एडवाइजर मंत्रियों को सलाह दे सकती हूँ, मैं सलाहकार, हाँ बस, और मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं। सुने हैं कि दादी बहुत अमीर घर की हैं, मतलब दिल्ली की रहीस में से एक हैं, हालांकि स्थिति खराब थी, कुछ चीज़ें इनके साथ खराब हुई इसीलिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है, और एक चीज़ हम आपको बताते हैं, दादी बहुत पढ़ी लिखी है, BCom की हुई है और इंग्लिश बहुत बढ़िया से जानती है, नहीं दादी? इससे कुछ नहीं होता है, पर हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, सोचते जिसने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है वो ज्ञानी है, ये क्या इम्प्रेस है, मेरी किताब का नाम भी अंग्रेजी में ही है, लेकिन मैंने क्यों रखा है कि लोग उसे अट्रैक्ट होते हैं, मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है। दादी किताब का नाम क्या है? देयर इज सम ऑलमाइटी पावर, नीचे बट हु, कौन है वो, कहीं कोई सर्वशक्तिमान है लेकिन वो है कौन? अच्छा किताब का कवर भी बड़ा जबरदस्त है, पढ़ने का मौका मिलेगा दादी? वो वही टेंशन है कि ना किताब लिख पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ मैं, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, सबाई में बहम में, एक कमरा हो तो मैं अपना फोन करूं चाहे आ जाए, रात दिन रीडिंग राइटिंग और मंदिरों से बात करूं। सुने थे कि आपको ले जाने बड़ी गाड़ी वाले आए थे लेकिन आप गई नहीं, बोली कि हम नहीं जाएंगे किसी के साथ, बता तो रहे थे कि ये बगल वाले की कोई बड़ी गाड़ी वाली आए थे आपको ले जाने, वो हमारे ट्रस्ट की जगह जहाँ हम लोगों ने डोनेशन दे रखा है। अच्छा यहाँ पे वृद्धा आश्रम तो है ना, केजरीवाल सेपरेट चाहिए, सेपरेट चाहिए तो मैं किसी के साथ, मैं इतनी बहनी हूँ,
मेरे को एक बाथरूम कमरा सेपरेट चाहिए, चाहे बाथरूम ही हो, जब बार बार यूरिन आता है मेरे को, मेरे नहीं खाना खाने से 3 बार बाथरूम बंद हो गया, नली ऐसे कर दी डॉक्टर ने, प्रेशर पड़ता है, बार बार गिलास लगाती हूँ। और ये जो चिमकी है इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें आखिर क्या रखी है इसमें? मतलब वे पेपर और पन्नी, ये बस, और नथिंग है, एक कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। और ये नाइटी वाइटी कैसे चेंज? ये जब ये कोई दे गया था मेरे को, वो कहता आप चेंज करो, बहुत सड़ गई तो ये बदलनी पड़ी। अच्छा, बदलनी पड़ी। हाँ तो बेटा गरीबी क्या चीज़ है हमने देखी ये सड़क पे आके, इतनी अमीर से आप गरीब हो गई हैं, ये बहुत मतलब आश्चर्य की बात। तो ये आश्चर्य नहीं, ऊपर वाले ने अच्छा किया, मुझे मार मार के पढ़ाया, तो मैंने कहा जो मुझे ये कठिन परीक्षा नहीं है तो मेरे ज्ञान मेरे साथ चला जाएगा, थोड़े दिन चाहे प्राण निकल जाए, सांसों का क्या भरोसा, आए कि ना आए। मरने से डर लगता है? मरने से डर लगता है? मरने से डर नहीं लगता है, मैं तो इस दुनिया में आने ही नहीं चाहती, या तो मुझे, और मैंने पहले मैंने अपना मरने के बाद वसीयत की थी जब ट्रस्ट की, कि नदी में डाल देना, चिलकवे खा लेंगे, आंखें मैंने दान कर दी हैं। इनके हाथ में कमान दिला दीजिए, कमान चाहिए इनको, इनके हाथ में। किस टाइप का कमान चाहिए इनको? इनके पूरे अंडर में इनकी दिल्ली होनी चाहिए, अंडर में दिल्ली। हाँ, आपको दिल्ली अंडर चाहिए, अपने अंडर दिल्ली चाहिए, क्योंकि ये काम बेटा तुम लोग कर सकते हो, मैं सिर्फ एडवाइजर और पॉलिटिक्स नहीं, कोई नेता, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कोई, हम सब एक मिलके काम करें, देश को ऊंचा उठाएं। मैंने खाली दारू एक के साथ एक फ्री कर दिया, खाने को क्यों नहीं फ्री किया एक के साथ? वो ये लोग नेता लोग दाना डाल रहे हैं ताकि उनको वोट मिल जाए, थोड़े कहीं लड़कियों की शादी करा दी, कहीं ये करा दिया, ऐसे नहीं होता है। ऊपर की सुंदरता तो क्या है, 4 दिनों का खेल है, आज हम जवान है कल बुढ़े हैं, पर जुड़िया पड़ जाएंगी, क्या चिकनी बॉडी थी देख कैसी हो गई, खुजला खुजला के मच्छर खा गए, पेड़ों के नीचे पड़ी रहती थी। सोती कहाँ है दादी? यहीं पे, यहीं पे, आजकल यहीं अड्डा है, पहले वहाँ टेबल पे था अड्डा, तो वहाँ पर ले गए, फिर वो आश्रम वाले वापस छोड़ गए हाथ जोड़, मैंने 15 दिन अनशन कर दिया, खाना नहीं खाया, आश्रम वाले ले गए तो अनशन कर दिया। हाँ, फिर वो 500 रुपये दे गए और हाथ जोड़ गए। मुझे मेरे अकॉर्डिंग सेपरेट चाहिए, दादी का ये मांग नहीं कर सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती, हालांकि एडजस्ट करा दिया ऊपर वाले ने देख, लेकिन बहुत फायदा क्या है। अच्छा, आप जहाँ रहती थी, भूख के मारे डब्बे का भी उलट के चम्मच पकड़ के टेबल पर उठा उठा खाया भी है, पर अपनी मर्जी के मालिक हूँ, खाना होगा तो कोई झूठा भी दे देगा, नहीं झूठा तो नहीं खा सकती किसी का, अगर मुझे बहन नहीं होगा तो उसका खा लूंगी, नहीं तो प्रसाद भी नहीं खाऊंगी, तो अपने मर्जी की माल की, मर्जी की बस, जिद्दी गिरा है मेरे, जिद्दी बहुत। दादी मूडिया है, कभी बहुत अच्छे से खुश रहती हैं, कभी नाराज रहती हैं, और दादी लिक्विड खाती हैं, अभी इनका चाय नहीं आया, पता नहीं क्यों, आखिर क्या कर दिया चाय वाले ने आज आपके साथ, आएगा इतना समय कैसे लगा दिया, काम में फंस गया, काम में फंस गया होगा, यहीं पे क्या चाय मिलता है, चाय पिए बिना सारा इंटरव्यू दे दिया। दादी चाय यहाँ से मंगाएं क्या? ना ना, इसे मेरा झगड़ा हुआ था एक बार, ये घमंडी है, घमंडी, हाँ, सब लोग आते हैं तो ये लोग भागते हैं, क्योंकि पुलिस कहती है आ, तभी तो चाय अंदर बना यहाँ बनती थी, सुनो, और वो एक दिन इसने मेरे साथ करा झगड़ा, बदमाशी करी, हालांकि इसके छोटे बच्चे से बोल ली, तो बेटा मुझे गुंडा कर दी बदमाशी इसकी, जबकि एक दुकान यहाँ एक दुकान वहाँ है, और रात दिन कमा रहा, रात दिन, और पुलिस इसको नहीं हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि पुलिस को पैसा भर रहा है, ये पुलिस को पैसा नहीं भर रहा है, भगा देते हैं, तो भागते हैं लेके, ये तीनों चारों रेड़ियाँ,